लगता है जवान की स्टोरी मैंने क्रैक कर ली है, तो इधर उधर घूमे फिरे ही क्यों, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। तो भाई ट्रेलर हमें क्या बताता है कि विजय सेतुपति का कैरेक्टर काली दुनिया का फोर्थ लार्जेस्ट वेपन डीलर्स में से एक है, जहां इनका लफड़ा चल रहा है एसआरके के कैरेक्टर विक्रम राठौर से, जिसका एक छोटा कॉन्टेक्स्ट हमें और मिलता है कि काली विक्रम राठौर के स्पेशल फोर्सेस के पास कोई एक डील करने गया था वेपन्स को लेकर, मगर विक्रम राठौर ने वो डील को करने से मना कर दिया क्योंकि उसने उसमें कुछ बहुत ही स्केची देखा है। एंड अब जो कि इससे बात हमें पता चलती है कि अपने पोजीशन पे विक्रम राठौड़ काफी हाई इन्फ्लुएंस रखता होगा, तो काली ने पहले ही विक्रम राठौड़ को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया, जो कि भाई आगे हम ये कुत्ते वाला शॉट तुम्हें याद होगा जहां पे हमें विक्रम राठौड़ मूंछों के साथ नजर आता है, जिसके बाद हमने आगे अंदाजा लगा ही लिया था कि विक्रम का दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर के साथ कुछ इलू-उलू चल रहा है, क्योंकि अब एक और घर वाला उसी शॉट को हमें देखने को मिलता है जहां पे धुआंधार गोलियां चलाई जा रही है। एक और शॉट में दीपिका कैरेक्टर जमीन पे रो रहा है, जो कि बात ये पता चलता है अपने आप में ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि इनका कैमियो का कैरेक्टर बस यहीं तक था, जो कि ये सारी बातें विक्रम राठौर की ये जवानी की हो गई। उसके बाद क्या बस कुछ तुच्छे हथियारों के लिए पूरी कहानी तो नहीं ना खत्म हो जाएगी, जो कि ये कोई इतनी सिंपल भी बात नहीं है, पिक्चर के अंदर और भी कहानी है। जो कि भाई ट्रेलर में हमें एक बहुत ही हल्का सा शॉट देखने को मिलता है विजाग एल्कलाइज एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड का, जिसे आसपास की मीडिया एंड सरकारी दरबारों को भाई फ्रेम में हम देख के बता ही सकते हैं कि उसे परमानेंटली सील किया जा रहा है, जिसके नेक्स्ट शॉट में नयनतारा अपने टेम्पररी टेंट में है, जहां टाइमर न्यूज और इंटेलिजेंस को मॉनिटर करते हुए पीछे क्या लिखा हुआ है कि हेल्थ मिनिस्टर का हुआ अपहरण, विक्रम राठौड़ की नई डिमांड, जहां आयरोनिकली ये टेंट उसी स्टेट के बाहर है जहां पे विक्रम विजिलेंटियों के साथ अपनी क्रिमिनल एक्टिविटी को अंजाम करता है। अब वो भाई बिल्डिंग का इन सारे पर्पस से क्या कनेक्शन है, क्योंकि हमने टीजर ट्रेलर प्रीव्यू में कई बार उसे देख लिया है, तो भाई बता दूं वो बिल्डिंग एक अबैंडंड सरकारी हॉस्पिटल है जहां एक समय पे लोगों का इलाज होता था, मगर एक किसी रोज किसी तरह का बायो वेपन और केमिकल हवा में छोड़ देने की वजह से वहां के काफी लोग मारे गए, स्पेशली बच्चे मारे गए, जिसके बाद से उस हॉस्पिटल में जितनी भी डॉक्टर्स एंड नर्सेस थी उतनी सारे बच्चों की डेथ देखने के बाद वो कभी काम नहीं कर सकी, जो कि ये वही छह लड़कियां होने वाली है जिनको विक्रम ने अपने विजिलेंटी काम के लिए रिक्रूट किया है, एंड वहां के हेल्थ मिनिस्टर को भी किडनैप किया क्योंकि उस केमिकल से जो बच्चों की मौत हुई थी, जहां पे एक स्तर तक प्रशासनिक कमी भी वहां पे थी, जिसका एक्चुअल रियलाइजेशन उसे फील कराने के लिए उसी हेल्थ मिनिस्टर को उसी बायो वेपन का असर भी लगाया होगा, जो कि भाई उसके बैकग्राउंड में पीछे हम देख सकते हैं कि उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पे लगाया हुआ है, जिसके रिपल इफेक्ट के चलते बाकी सरकारी हॉस्पिटल्स ने भी अपनी इस कमी को दूर किया। इस सीन के हिसाब से हम ये बात देख ही सकते हैं, जो कि अब एक्चुअली में कोविड के दौरान का वो मेटाफोर ही होगा कि कई सारे लोगों के पास अपनी हेल्थ सर्विसेज नहीं थी और नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से कितने सारे लोगों की मौतें हुई थी। जहां अब ये बात शुरू में आती है कि इन केमिकल फैक्ट्रीज को सील करना, इस हॉस्पिटल से डॉक्टर्स और नर्सेस को विजिलेंटी बनाना, एक्चुअली में हेल्थ को लेकर इतनी बड़ी मुहिम ही क्यों, जहां इन सब का एक ही शख्स जिम्मेदार है, काली विजय सेतुपति का कैरेक्टर, जहां मूवी में तीन चरणों में उसकी उम्र दिखाई गई है, जहां पे वो एक जवान है बॉक्सिंग भी करते हुए नजर आ रहा है अधेड़ की उम्र में, और एक जहां पे पक्का बुढ़ा, जहां एक शॉट में उसका प्लान हमें पता चलता है कि वो करना क्या चाहता है, जो कि अराउंड इस जगह पे हमें ये नजर आता है कि काली का एक प्रोजेक्ट ड्रीम है, जिसके अगले शॉट में हमें बैकग्राउंड में केमिकल फैक्ट्रीज नाम से भी वो नजर आता है। तो भाई अब एक वेपन्स डीलर का केमिकल से सिर्फ एक ही लेना देना है, बायो वेपन्स का, जिसके टेस्ट सब्जेक्ट शुरू में भाई हॉस्पिटल के आसपास के गांव में आगे चल के बच्चे बने, जिसे अब फुल स्केल पे काली जैसे ही लॉन्च करने ही वाला था, तब तक अपना विक्रम राठौड़ आ चुका था, जिसने ऑलरेडी स्केची केमिकल फैक्ट्रीज को भाई कार्यवाही करने से पहले ही उन्हें बंद कराया, इन इस प्रॉब्लम को दुनिया के सामने रखा। जहां अब ये बात सामने आती है कि विक्रम का लॉन्ग लॉस्ट बेटे आजाद का क्या एंगल है, तो भाई शुरू में कूल पुलिस वाले शॉट के साथ हमें वो नजर आई गया है कि भाई वो ऑल फीमेल जेल से गुजरते हुए एसआर का कैरेक्टर वो आजादी है, क्योंकि भाई उसके बैच पे भी लिखा हुआ है, जहां आगे चल के उस जेल के भी काफी सारे हमें शॉट्स देखने को मिलते हैं, उस पे अटैक वाले शॉट देखने को मिला, बैक एंड फोर्थ फायरिंग वाले शॉट्स भी देखने को मिले, विक्रम अपने रॉबिन हुड वाला मैसेज भी वहीं से रिकॉर्ड कर रहा था, एंड उसी जेल के अंदर एक बड़ा एक्शन सीक्वेंस भी टेक प्लेस करता है बाप एंड बेटे के साथ, जहां इन सब के बैकग्राउंड में बहुत ही बड़ा सरकारी पैसों का स्कैम भी उजागर होता है, जहां उन ट्रक्स पे इंडियन लोगो भी हम देख सकते हैं। एंड अब थ्रू आउट मूवी में एक रेस अगेंस्ट टाइम वाला भी एक नैरेटिव बन चुका है, जहां पे टाइम तुम बैकग्राउंड में चलते हुए देख सकते हो, जहां विक्रम को काली को उसी दर्द को करीब से महसूस कराने के लिए उसके ही किसी करीबी या फिर उसके अपने को मारा होगा, ये बात बताने के लिए कि वो एक्चुअली में इमोशनल दर्द होता क्या है, मगर फिर उसके बाद ही एक वीडियो कॉल वाला हमें उसी में सीन देखने को मिलता है जब वो एक चिता जला रहा होता है अपने किसी अपने की, तो वो हम बात समझ ही सकते हैं कि भाई विक्रम काली को किस तरीके से और चैलेंज कर रहा होगा, मगर फिर उसके दूसरे ही शॉट पे काली का जमीन पे बैठ के सोच
संरचना अस्थियों के साथ, तो भाई ये बात बता जाता है कि भाई वो विक्रम के लिए कुछ और ही मेनिसिंग प्लान कर रहा है, जिसके बारे में हमें आगे पता ही चल जाएगा। उसका ड्रीम प्रोजेक्ट वो फाइनली इनिशिएट कर देगा, जिसकी वजह से मूवी रेस अगेंस्ट टाइम वाली बन जाएगी। तो अब गुरुलोक तुम्हें पता चल ही गया होगा कि भाई ये मूवी किस बारे में है। उस बच्चों की डेथ, बायो वेपन, अपने काली का किसी तरीके का केमिकल्स वेमिकल्स वाला स्केल को लेकर और भी ज्यादा बड़ा करना उसे, एंड पैसों का भी स्कैम, इंडियन मिलिट्री को इन्फिल्ट्रेट करना उन वेपन्स के जरिए। लेकिन इन सब बातों के अलावा भी और भी डिटेल्स हैं ट्रेलर में, जिसके बारे में हम आगे किसी और वीडियो में बात करेंगे। मगर तब तक के लिए तुम अपनी थ्योरीज मुझे कमेंट्स बताओ कि इसके अलावा तुमने क्या चीजें भाई ट्रेलर में नोटिस की, जिसकी वजह से मूवी का नैरेटिव स्टोरी क्लियर हो पाता है। तुम अपनी ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना, एंड क्या पता अगर थ्योरीज के डॉट्स कनेक्ट हुए तो नेक्स्ट वीडियो में भी उसे मेंशन कर दूंगा। मगर तब तक के लिए वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करते हैं, इसे यहीं तक रखे रहेंगे और वीडियो को करते हैं यहीं एंड।